आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल पीछे दीजिए। कि 5 ईस्वी से 5 ईस्वी तक बिहार बीमारू राज्य था, और हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री सुशील मोदी जी और तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में यह बीमारू राज्य से विकासशील और विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आगे बढ़ा है। ये आने वाला बजट बिहार के 13 करोड़ जनता के खुशहाली का बजट है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सबों के उन्नति का बजट है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला बजट है। किसानों के आय को दुगुना और तिगुना करने वाला बजट है। नौजवानों के रोजगार को पैदा करने वाला बजट है। इसलिए बिहार के बजट जो आज आने वाला है, उस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हम शुभकामना देते हैं। बजट आने दीजिए, बजट का आकार कैसा होता है, जनता के हित में कौन सा बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में कौन सा बजट है, महंगाई पर क्या इनका फोकस है, ये सब आने के बाद ही कुछ बजट पर बोलना हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई सलाह देंगे तो सरकार हमारी सलाह मानेगी नहीं, लेकिन जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद आती है, तब हम उस पर प्रतिक्रिया देने का काम। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए सर इस बजट में? बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में फोकस होना चाहिए। किसानों के जो अधिप्राप्ति का मामला है, वो अधिप्राप्ति ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे हो रहा है। जो सरकार ने तय की है धान की कीमत, वो धान की कीमत नहीं दे पा रही है सरकार, और बिचौलियों से बेचना पड़ रहा है किसानों को बेवस होकर। इसलिए इस पर फोकस, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मामले पर फोकस होना चाहिए। अगर इस पर सरकार फोकस नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। 20 लाख रोजगार का जो दावा था, अगर वैसा नहीं हो पाता है तो क्या आपका विरोध होगा? निश्चित रूप से सरकार तो पिछले चुनाव में अपना कहा घोषणा की थी कि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या 1 साल से 1.25 साल हो गए, 1.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिल पाया है। तो बेरोजगारों का अगर रोजगार का सृजन नहीं करती है, सरकार नहीं देती है, तो निश्चित रूप से जोरदार ढंग से विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है।